कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच तेज। वारदात वाली जगह पर सीबीआई की तफ्तीश। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर कॉलेज के सेमिनार रूम से बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कसा सीबीआई का शिकंजा। आज लगातार दूसरे दिन हो रही है पूछताछ। कल 15 घंटे तक हुए थे रेप और मर्डर से जुड़े सवाल जवाब। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का बड़ा प्रदर्शन। देश भर के अस्पतालों में हड़ताल, इमरजेंसी छोड़ बाकी सभी सेवाएं बंद। मुश्किल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। जमीन घोटाले में राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी। गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के सीनियर नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों से भी कर रहे हैं संपर्क। 6 से 7 विधायकों के पार्टी से नाराज होने की खबर। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश और शिवपाल पर बड़ा हमला। बोले, पहले नौकरी निकालते हैं फिर वसूली पर निकल जाते हैं। चाचा भतीजे का गैंग, अब किसी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतरी, जान का कोई नुकसान नहीं। रेल मंत्री बोले, ट्रैक पर रखी किसी भारी चीज से टकराई ट्रेन। आईबी की टीम ने मौके का मुआयना किया, यूपी पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के उदयपुर में चाकू मारने वाले आरोपी छात्र के घर पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम और वन विभाग ने घर पर नोटिस चस्पा कर अवैध अतिक्रमण के संबंध में 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण। पेरिस से वतन वापस लौटी विनेश फोगाट का ग्रैंड वेलकम। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देखकर हुई भावुक। स्वागत के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे।